नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट प्रिंटर के बारे में। अगर आपको अपने घर के यूज के लिए या बिजनेस यूज के लिए कोई प्रिंटर बाय करना है तो कौन सा प्रिंटर बाय करें। काफ़ी लोगों के मन में ये कमेंट रहता है कि भैया मुझे कलर प्रिंटर बाय करना चाहिए, मुझे ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर बाय करना चाहिए, लेज़र प्रिंटर बाय करना चाहिए, डॉम प्रिंटर बाय करना चाहिए, ड्रम प्रिंटर बाय करना चाहिए। काफ़ी ऐसे प्रिंटर आते हैं, चेन लिंकिंग प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर मुझे बाय करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट प्रिंटर जिसकी मदद आपको लेनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप अकाउंटिंग करते हैं, जो भी करते हैं, आपको कौन सा प्रिंटर आपको लेना चाहिए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है फ्रेंड्स, तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, अच्छी लगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और दोस्तों लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको एक प्रिंटर बाय करना है, वो भी बेस्ट प्रिंटर, अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी पर्पस के हिसाब से कौन कौन सा प्रिंटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपका अपने घर के लिए कोई प्रिंटर लेना चाहते हैं, जैसे आपका होम यूज है, नॉर्मल फोटो वोटो निकालना है, तो अगर आप वीकली फोटोज़ निकालते हैं, डेली फोटोज निकालते हैं, तो आपको कलर प्रिंटर लेना ले लेना चाहिए। एप्सन में आप कलर प्रिंटर ले सकते हैं। तो एप्सन के अंदर आप जाएंगे, वहाँ पर काफ़ी शानदार कलर प्रिंटर मिल जाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, एक सेपरेट वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ज़्यादा कलर प्रिंटिंग नहीं करनी है, ज़्यादा फोटोज़ निकालने का शौक नहीं है, तो आपको कलर प्रिंटर पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉसमंद साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए, अगर आपकी वीकली या डेली या एक दो दिन में आप प्रिंट निकालते रहते हैं कलर की, तो फिर तो आपके लिए बढ़िया है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि कलर के अंदर हेड इंक हेड जाम की शिकायत रहती है। आपके जो हेड रहता है उसमें इंक जाम हो जाती है। अगर आप महीने दो महीने तक प्रिंट नहीं निकालते हैं, कलर प्रिंटिंग नहीं करते हैं, तो उसमें आपका जो प्रिंटर है उसका एक हेड आता है इतना सा, वो हेड ही लगभग 4-5 हज़ार रुपये का आपके पड़ जाएगा। तो एक नए ओल्ड एज प्रिंटर की रेट में आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आपको अगर कलर की प्रिंटिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप कलर प्रिंटर ना लें, ठीक है। अब आपको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए, हाँ अगर आपकी कलर प्रिंटिंग ज़्यादा होती है, आपके फैमिली के फोटोज़ हर एक दो दिन में निकालते रहते हैं, तो आप कलर प्रिंटर ले सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद में अगर आपकी ज़्यादा प्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कलर प्रिंटिंग आप नहीं निकालते, तो आपको लेज़र प्रिंटर लेना चाहिए। लेज़र प्रिंटर में आप एप्सन के अंदर ले सकते हैं। मैंने काफ़ी प्रिंटर लेज़र प्रिंटर की अनबॉक्सिंग करके आपको बताई है, अगर आपने वो नहीं देखी इधर दिख रही होगी आपको यहाँ पर, अगर आप हमारे चैनल पर जाते हैं तो उन प्रिंटर की सजेशन देख सकते हैं। काफ़ी शानदार प्रिंटर्स के रिव्यू मैंने आपको दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। दोस्तों वो काफ़ी शानदार प्रिंटर हैं, या फिर आप HP के अंदर ले सकते हैं। लेज़र प्रिंटर HP 1005 आता है, वो आप ले सकते हैं, जो काफ़ी शानदार प्रिंटर है। फिलहाल अवेलेबल नहीं होगा लेकिन ले सकते हैं, और मैंने कुछ प्रिंटर आपको सजेस्ट करे हैं, उनको ज़रूर लें, आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। अगर आपका अकाउंटिंग पर्पज से कोई प्रिंटर लेना चाहते हैं, अकाउंटिंग की निकालना चाहते हैं, तो आप ड्रम प्रिंटर ले सकते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया प्रिंटर होता है। या आपकी ज़्यादा बड़ा प्रिंटर लेना है आपको, तो थर्मल लेज़र प्रिंटर ले सकते हैं, वो काफ़ी शानदार रहेगा। आपके पर्पज़ के हिसाब से आप प्रिंटर ले सकते हैं। अगर आप मुझे सेपरेट बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में कि भैया मेरी हर महीने हर दिन में कलर प्रिंटिंग निकलती है, तो मैं कौन सा कलर प्रिंटर लूँ, तो मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर दूंगा। आप ये कहते हैं कि भैया मेरी वीकली या महीने में एक प्रिंटिंग कलर की निकलती है, या कभी कभी निकलती भी नहीं है, तो मुझे लेज़र प्रिंट कलर प्रिंटर लेना चाहिए या फिर लेज़र प्रिंटर लेना चाहिए। अगर मुझे कलर प्रिंटर लेना चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए, लेज़र प्रिंटर लेना चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको सजेस्ट करूँगा बेस्ट प्रिंटर की, तो आप उनको जरूर ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली नई वीडियोस में मैं आपको जरूर दूंगा कोई बढ़िया से बढ़िया प्रिंटर, मैं आपको बताऊंगा, नेम भी सजेस्ट करूंगा, तो आप उन प्रिंटर को ले पाएंगे। तो जी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।